So welcome to Tarun IAS. My name is Rohit Kumar. आज 4 जनवरी 2023 है और आज द हिंदू का एक प्रमुख एडिटोरियल हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं. एडिटोरियल का नाम है इट इज अ क्रूशियल फॉर इंडिया टू एम्ब्रेस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस. हम आज बात करेंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस क्या होता है. आप शायद रामानंद सागर के रामायण आप लोगों ने बचपन में देखा होगा या हाल फिलहाल में, या महाभारत में आपने महाभारत की युद्ध देखा होगा पांडव और कौरव के बीच में. वहां पर जो युद्ध में धनुष और बाण का प्रयोग होता था, तलवार का प्रयोग होता था, गदा का प्रयोग होता था. लेकिन आज भारत और चाइना का बीच का युद्ध, या कहे रशिया और यूक्रेन का युद्ध, या कहे किसी दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध बहुत ही भयावह और खतरनाक हो गया है. तो इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि भारत को युद्ध की नीति और उसकी शैली को बदलना होगा. आज भारत जिस प्रकार से कन्वेंशनल मेथड से युद्ध की बात कर रहा है, वो युद्ध के तरीके, उसके सोच को बदलना होगा. हमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के विचारधारा को अपनाना होगा. आज हम समझेंगे कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है क्या और क्या भारत इससे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को अपना पाएगा या नहीं. कैसे भारत अपने आप को एमडीओ के माध्यम से चाइना को सशक्त कर सकता है, चाइना को पछाड़ सकता है, हम समझेंगे इस चीजों के बारे में. सबसे पहले एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर वीएम एक रिटायर्ड ऑफिसर हुआ करते थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे आपका सेंट्रल फॉर एयर पावर स्टडी न्यू दिल्ली के अंदर में. इन्होंने एमडीओ के बारे में समझाया. तो आज की पूरी कहानी जो है इसी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर एमडीओ है क्या. सबसे पहले समझते हैं इस आर्टिकल के बेस की बात करते हैं, इसके फाउंडेशंस की बात करते हैं. यहां पर राइटर साहब ये कह रहे हैं कि भारत और चाइना का जो जिस प्रकार से भारत और चाइना के बीच में जो तनतनी चल रही है, अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा, लद्दाख में आपने देखा, जगह जगह पर भारत और चाइना के बीच दोनों सैनिक जो है आपस में आप कह सकते हैं मुक्के और डंडे का प्रयोग करके आपस में झड़प अर्थात लड़ रहे हैं. अभी तो ये युद्ध आप कह सकते हैं कि चाइना और भारत जो है डंडे और मुक्केबाजी के माध्यम से लड़ रहा है. लेकिन क्या लगता है कि ये युद्ध डंडे और मुक्केबाजी तक ही सीमित रह जाएगी? क्या भारत को कई मायने में कई तरीके से आपको अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता नहीं है? रशिया और यूक्रेन के बीच को युद्ध को देखो, रशिया का और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा सा बन गया है. तो यहां पर करें भारत को सजेस्ट दिया जा रहा है. यहां पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अर्थात आपको पता हो तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हां आने वाले कल में चाइना जो है भारत के लिए खतरा बन सकता है और उस खतरा को मद्देनजर देखते हुए हमें एक बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता है. ये बात कहते हैं जयशंकर, एक्सेप्ट दैट कि द काउंटर दिस थ्रेट वी हैव टू डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन आर्मी दैट वी हैव ए नेवर हैड. हमने इंडियन आर्मी को वहां पर डिप्लॉय किया, परंतु क्या इंडियन आर्मी मात्र चाइना के इस प्रकार के जो मॉडर्न नीति है उसको क्या सिर्फ इंडियन आर्मी उससे सामना कर पाएगी क्या? नहीं, हमें सोचना होगा. ऐसे क्या मात्र इंडियन आर्मी के डिप्लॉय करने से खतरा टल सकता है क्या? नहीं टल सकता. द थ्रेट हैड नेवर डिक्रीज्ड, थ्रेट नहीं खत्म होगा. बट जिस प्रकार से अभी G20 ब्रिज कॉलेप्स हुआ है, इलेक्शंस की स्थिति के कारण जो है थोड़ा मुद्दा भले ही शांत हो गया है, लेकिन आने वाले कल में ये मुद्दा शांत नहीं हो सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ज्योग्राफिकली और लो लेवल की जो रिस्ट्रिक्शंस वहां पर है उसके कारण से तरह तरह के बहुत सारे समस्या उत्पन्न होता है. हमेशा भारत और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है. हमेशा जवान भारतीय जवान और चाइना की आर्मी जो है आपस में आप कह सकते हैं मुक्केबाजी करते हैं. इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए भारत को एक नई कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने की जरूरत है और वो नया कॉन्सेप्ट है मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जिसको एमडीओ कहते हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, एमडीओ. एमडीओ अब हम ये समझेंगे कि एमडीओ है क्या, भारत को आखिर एमडीओ को कैसे अपनाना है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, हमें समझना होगा. अंडरस्टैंडिंग द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को समझने की जरूरत है. तो ये जो एमडीओ टर्म है, अगर हम बात करें
In the term MDO has entered India's military lecture circuit big time. However, it is being too bandied about to losing too characteristic to import their understood the view. MDO का मतलब यहां पर ये नहीं होता है मल्टी डोमेन, आप कह रहे हैं ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप लैंड के माध्यम से, भूमि से, थल से, जल से, या फिर वायु के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक के माध्यम से, स्पेस के माध्यम से, साइबर के माध्यम से, हर तरीके से आप आक्रमण कर रहे हो. मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का मतलब वही हुआ, साम दंड भेद. आप कहे संस्कृत भाषा वाले में अगर बात करें चाणक्य की, कि भाई दुश्मन को परास्त करना है, चाहे साम दंड भेद किसी भी माध्यम से, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस यहां पर हर तरीके से आप. तो यहां पर इन्होंने कहा कि एमडीओ इज नॉट जस्ट एक्शन ऑन लैंड. एमडीओ का मतलब ये नहीं कि भाई आप लैंड से इंडियन आर्मी की सेना जो है युद्ध हाथापाई के माध्यम से कर सकते, गोली बारूद तोप के माध्यम से युद्ध करें, सी के अंदर में, वाटर में आप कह सकते, हवाओं में, साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से, स्पेस के माध्यम से, इन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माध्यम से. कहने का मतलब हर तरीके से, है ना, अपने आप को एक वॉच की तरह, अपने आप को एक नजर गड़ाए रहना कि दुश्मन को किस तरीके से वार करे. जहां दुश्मन मिले वहां वार करते नहीं है. अगर एयर में है तो वह, अगर दुश्मन की कोई, अगर कोई भी पॉइंट अगर ऐसा डिटेक्ट हो रहा है, उसको डिटेक्ट करो, मारो, मारोगे. मतलब हवा हो, लैंड हो, जल, थल, गगन, हर तरीके से मल्टी डोमेन का मतलब. तो उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशंस को कंडक्टेड अक्रॉस टू मल्टी डोमेन्स एंड कॉन्टेस्टेड टू अ स्पेस थ्रू द कवरेंस ऑफ कैपेबिलिटी ओवरकम कर. मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो मल्टी डोमेन का मतलब यहां पर होगा ना, एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर यहां पर आएगा. मतलब आपको क्या करना है कि अपने आप को तकनीकी रूप से, आज देखो यहां कहा कि आपने हाल फिलहाल में सुना होगा रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन के बहुत सारे सैनिकों ने, यूक्रेन के सैनिकों ने रसिया को मार गिराया, रसिया के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया. किस बेस के आधार पर? एमडीओ के माध्यम से. क्यों भाई? क्योंकि एमडीओ, यूरोपियन जो पश्चिमी देश जो है, जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो स्पेस के माध्यम से उसको टारगेट करके, उसको इंफॉर्मेशन देकर, और उसको पछाड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं. तो एमडीओ का, और आपको बता दें कि अमेरिका या यूरोपियन यूनियन, ये सब जितने भी एमडीओ का अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या चाइना एमडीओ का प्रयोग नहीं करेगा क्या? करेगा. तो हमें भी, भारत को भी एमडीओ अपनाने की आवश्यकता है, एमडीओ की कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की आवश्यकता है, हर तरीके से अपने आप को सजग करने की आवश्यकता है. क्योंकि हम सिर्फ लैंड के माध्यम भरोसे हम नहीं रह सकते, हमें वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, थल के माध्यम से, गगन के माध्यम से, स्पेस के माध्यम से, साइबर के माध्यम से, जहां हो. मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का मतलब यह है कि हमें बस एक ही टारगेट है, दुश्मन को टारगेट किसी भी 360 डिग्री एंगल से आप उसको टारगेट करो, आप, है ना. तो ये इस चीज पर बात कही, हमें कैपेबल बनाना है इस ऑपरेटर, इस सर्विस को अपने यहां लागू करने में. अब यहां पर कह रही है कि मान लिया एमडीओ की बात कर रहे हो, आर्मी कोस्टल जो है, आर्मी कोस्टल मिसाइल्स बैटरी कुड बी टास्क टू स्ट्राइक एन एनिमी ऑफ नेवल वेसल्स डिटेक्ट बाय द रडार. अब एयरफोर्स के रडार ने डिटेक्ट किया कि भाई कोई विदेशी, कोई दुश्मन जो है हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, और तो वो क्या किया, एमडीओ के माध्यम से, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के माध्यम से, एयरफोर्स की आर्मी जो है, कोई एरियल्स व्हीकल को देखा, इंटेलिजेंस के माध्यम, सर्विलेंस के माध्यम से मिसाइल देखा, मतलब हर तरीके, साइबर वेपन्स का प्रयोग करके. मतलब कहने का मतलब वही मैंने बताया कि जो तकनीकी हो, टेक्नोलॉजी हो, सभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो. साइबर अटैक भी तो हो सकता है, बायो अटैक भी तो हो सकता है, स्पेस के माध्यम से तो चाइना अटैक कर सकता है भारत पर. भारत पर अटैक करने के तरीके बहुत सारे हैं, तो भारत को भी पहले से एक्टिव रहने की जरूरत है, हर तरीके से सामना करने की जरूरत है. और आपको देखो, भारत, अगर अमेरिका की बात करो, अमेरिका दुनिया में नंबर वन सैनिक में है, आपको पता है. तो क्या चाइना उसके करीब है? अगर चाइना भी है, चाइना बैठा हुआ नहीं है, चाइना बहुत करीब है. तो हमें भी चाहिए कि उन सभी देशों से उस टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर में लाए, और भारत के अंदर में लाकर उसको ट्रेंड करने की जरूरत है, ताकि हम उसके प्रश्न का जवाब दे सके. सिंपल सी बात है. आप देखो, तो कहने का मतलब यह हुआ कि भारत और चाइना के बीच में जो क्लैश चल रहा है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज मुक्के के माध्यम से कर सकते हैं, डंडा के माध्यम से, कल राइफल उठेगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. तो मल्टी डोमेन ऑपरेशन ही एक ऐसा सहारा है जो भारत को खड़ा कर. आप देखो, छोटा सा देश,
एक यूक्रेन है, रशिया को पीछे अभी कर रखा है, रशिया के बहुत सारे सैनिकों को मारा, किस बेस के आधार पर? एमडीओ के बेस के आधार पर, मल्टी डोमेन आपका ऑपरेशंस के माध्यम से। तो सिंपल टर्म में ये कहे कि एमडीओ क्या है, एक आर्किटेक्चर है, एक सिस्टम है, एक आर्किटेक्चर, एक फ्रेम है जिसके अंदर में बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, यूज एज एनी सेंसर एंड द बेस्ट पोजिशन शूटर टू अकम्प्लिश टू ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, तकनीकी रूप से इतना ज्यादा सेंसर रूप से एक्टिव कर दिया है कि जो टारगेट दिया जा रहा है उस टारगेट को एमडीओ के माध्यम से उसको पूरा कर दे रहा है। टारगेट कई प्रोसेस में है आपका, यहां पर ट्रिपल सी का प्रयोग किया जा रहा है, C3 का प्रयोग किया जा रहा है। C3 का मतलब क्या होता है यहां पर? कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। भाई हुआ सिंपल सी, यहां पर कम्युनिकेशन हुआ कि यहां पर कोई दुश्मन है, अब यहां पर कोई दुश्मन है तो कम्युनिकेशंस हुआ, कम्युनिकेशंस के माध्यम से उसको कंट्रोल किया गया और कंट्रोल के माध्यम से कमांड दे दिया गया, कमांड देकर उसको टारगेट को पूरा कर दिया गया। तो सिंपल टर्म में एमडीओ क्या है? एक आर्किटेक्चर है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम है, एक रूपरेखा है जिसके माध्यम से C3 के बेस के आधार पर काम कर रहा है। तकनीकी यहां कॉम्प्लेक्स है लेकिन C3 के बेस का कैसे भाई? कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन, ये तीनों स्ट्रक्चर इसमें बहुत जरूरी है, इसको इसके अंदर में यूज किया जा रहा है ना। अब इसको यूज किया जा रहा है, इसलिए एमडीओ को समझने की जरूरत है यहां पर। तो इन्होंने कहा कि भाई एमडीओ, एमडीओ मल्टी डोमेन ऑपरेशन और C3 का स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? इनपुट से इनपुट लेते हैं, सभी सेंसर के माध्यम से इनपुट प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं और फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। और सॉल्यूशन प्राप्त करने के बाद तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। मान लिया कि मुझे पता चला कि भाई चाइना का कुछ इनपुट आया है कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर भारत के पर्टिकुलर टेरिटरी में चाइना के कुछ इनपुट दिख रहे हैं, इस इनपुट सेंसर के माध्यम से प्राप्त हुआ, सेंसर रडार भी हो सकता है, वो सेंसर कुछ भी हो सकता है, प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस सबको रिकॉग्नाइज किया। और रिकॉग्नाइज करने के बाद तीन चीज, सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर में एमडीओ तीन चीजों पर काम कर रही है। पहला एमडीओ काम कर रही है कि सेंसर, सारे सेंसर जो होते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट की तरह इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या भाई? कि भाई वो कोई चाइना में वो व्यक्ति है भारत के टेरिटरी में, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में घुसा हुआ है, इंफॉर्मेशन सेंसर के माध्यम से मिल गया। अब इंफॉर्मेशन मिल गया, मस्ट बी कैपेबल टू बींग टू होस्ट इट, हो सकता है एमडीओ आर्किटेक्चर ने ये दे दिया। सेकेंड क्या होगा? अब सॉल्यूशन क्या है? क्या वो सेंसिटिव है? क्या उस पर हमला करने की जरूरत है? इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया? सॉल्यूशन प्राप्त कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया कि भाई ये जो रिसीव्ड जो इनपुट है, इस इनपुट को एमडीओ C3 के माध्यम से उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया कि भाई इसको हटाना है, इसको कंट्रोल करो, इसको इस एरिया के बाहर पार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि मान लिया कि दुश्मनों ने जैम कर दिया, मान लिया तीसरा पॉइंट यह है कि उसको कंट्रोल कर दिया, कम्युनिकेशन हुआ, कंट्रोल हुआ, कंट्रोल होने के बाद कमांड देने की बारी आई, दुश्मन ने क्या किया? एमडीओ के सिस्टम को जैम कर रखा है। तो अब एक ऐसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जैसे एनिमी ने जैम किया, मिशन कमांड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई उसको वहां से समाप्त करो, मिशन कमांड जो है एक्टिवेट हो जाएगा और जो पर्टिकुलर दुश्मन है पर्टिकुलर एरिया के अंदर में उसको मार गिराएगा। तो एमडीओ जो है आज के दौर के लिए हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है और भारत को एमडीओ के माध्यम से ही चाइना जैसे देशों को सिसक आपको चाइना जैसे देशों को पछाड़ा जा सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये कह रहे हैं कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है और भारत को आसानी से ग्रास करने में दिक्कत होगी, लेकिन भारत को चाहिए ये ओनली नेशंस विद द डेवलप्ड साइंटिफिक, ये बेस आज डेवलप्ड कंट्री में है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैन अफोर्ड। एक सवाल भी उत्पन्न होता है कि क्या भारत इस प्रकार की एमडीओ को सपोर्ट कर पाएगा क्या, अफोर्ड कर पाएगा क्या, ये प्रश्न है ना इसके अंदर, इस डॉक्ट्रिन को, प्लानिंग को, एक्वाइजेशन को, स्टाफिंग को, ट्रेनिंग, ये सारे समस्या है इसके अंदर में, है ना। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि एमडीओ को भारत अपना पाएगा या नहीं, डस द अफेक्ट इंडिया, क्या ये भारत के लिए प्रभावी हो सकता है, क्या भारत के समस्या के समाधान कर सकता है, सॉल्यूशन है। नई दिल्ली क्या इस एमडीओ को लाने के लिए इस पर रिसोर्सेज, मनी, पैसे खर्चा कर सकता है क्या, बहुत सारी चीज, आंसर इजी, बहुत ही आसान भाषा में आंसर है कि ऐसा हो सकता है,
जो अगर नहीं कर सकता है, लेकिन एक चीज समझने वाली बात यह है कि चाइना विच इज अटेम्प्टिंग टू मैच द यूएसए मिलिट्री पावर, चाइना कोशिश कर रहा है कि उसकी जो मिलिट्री पावर है यूएसए की तरह हो जाए, अमेरिका की तरह, और वो अमेरिका के बहुत करीब है। लेकिन अगर हमारा टारगेट चाइना है, अगर हमारा दुश्मन चाइना है, अगर हमारा ये कह सकते हैं एम्बिशन चाइना है, तो भारत को एमडीओ ना चाहकर भी एमडीओ को अपनाना पड़ेगा, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को अपनाना ही पड़ेगा। इसके लिए भारत तैयार हो या नहीं तैयार हो, है ना, इसमें इस बात पर कही गई आपका, है ना, इसमें कहा गया कि एक आर्टिकल आया था वाशिंगटन पोस्ट पुट के अंदर में, उसमें कहा गया था कि यूक्रेन की सेना जो है यूरोपियन कंट्री के स्पेस इंफॉर्मेशन लेके और रशिया के सैनिक को शूट आउट कर रहे हैं, मार रहे हैं। ऐसा एक आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में आया था कि द यूक्रेन आर फ्यूजिंग दियर करजियस फाइटिंग स्प्रिट विद द मोस्ट एडवांस इंटेलिजेंस एंड बैटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इवन टू सीन कॉम। अब बताओ तो यूक्रेन है क्या, चाहे रशिया के सामने कुछ है क्या, लेकिन रशिया जैसे देश को यूक्रेन अगर उसको पानी पिला रहा है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का इंफॉर्मेशन जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो एमडीओ जो है एक आप भारत के लिए एक्शन के लिए एक अब्रिज बन सकता है। So it's a left behind to all. So हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। India has no choice. भारत के पास कोई विकल्प ही नहीं है। But embrace to MDO too. MDO के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। भारत संसाधन दे, आपका मनी प्रोवाइड करवाए या ना करवाए, भारत को MDO अपनाना पड़ेगा। MDO को लाना, क्योंकि हमारे सामने टारगेट कौन है, चाइना। हमारा दुश्मन कौन है, चाइना है, है ना। इस चीज पर बात की जा रही है। चार तरीके की स्ट्रैटेजी की बात इसमें कही गई है। पहला जो है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, जो ट्रेडिशनल जो फिजिकल डोमेन है, जो मस्ट बी स्टेबलाइज विद द क्रिटिकल डिफिशियंसी ऑफ द सर्विसेज। आपको पता है पहला जो है कि हमारा स्टैंडिंग आर्मी है, अब आर्मी के माध्यम से पहला। दूसरा है आपको कि C3 वाले जो कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा, क्योंकि C3 नेटवर्क नीड टू हार्डन एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट टू साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट से बचने के लिए C3 ही मात्र एक उपाय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दे नीड टू लिंक टू सिंक्रोनाइज दैट टू सीमलेस टू एक्सचेंज टू डेटा टू इंश्योर, बदलना होगा उसके बाद। और सबसे लंबी टर्म यह है कि इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की जरूरत है, है ना, ताकि इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे अपने देश के अंदर में एमडीओ जैसे इन्वायरमेंट को स्थापित किया जाए। भारत के अंदर में एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से एमडीओ के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भारत के अंदर में ही लागू किया जाए, भारत में ही एमडीओ के पूरे इन्वायरमेंट को स्थापित किया जाए, ताकि भारत के लिए चीजें आसान हो जाए, है ना। प्रेजेंट में वेस्टर्न लिटरेचर ने बहुत सारे इस पर डिस्कशन भी चला है। पायलट प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करेगा, नए नए तकनीकी भारत के अंदर में आएंगे, इक्वली अगर समझ सकते हैं तो आइडिया भारत के अंदर, और फाइनली जो है एमडीओ के माध्यम से हर समस्या का समाधान जो है चाइना जैसे देशों को पछाड़ सकता है। तो एमडीओ भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भारत को ना चाहकर भी एमडीओ को अपनाना होगा। तो ये आर्टिकल में राइटर के द्वारा कहा जा रहा है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में, कि कैसे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के माध्यम से चाइना को रोका जा सकता है, चाइना को पछाड़ा जा सकता है। तो ये था आज का आर्टिकल। सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।